हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो आपका शिफ्ट रहेगा आपका हिंदी का रहेगा। किसका रहेगा साथियों? आपका हिंदी का रहेगा साथियों, देख सकते हैं। अब वो भी आपका रहेगा 11 जनवरी 2022 का। किसका रहेगा साथियों? 2022 का सेट रहेगा साथियों। अब PY2 रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी रहेगा साथियों। जो भी एग्जामपुर 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका 11 जनवरी का शिफ्ट है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम निवेश है साथियों? बोधगम निवेश है साथियों, आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला गया, शिक्षकों शिक्षार्थियों को उनके स्तर से कुछ ऊंचे स्तर का भाषा के अवसर प्रदान करना, कुछ ऊंचा अवसर देना है। भाषा क्या देना साथियों? शिक्षार्थियों को बोधगम्य में बोधगम्य निवेश में होता है कुछ ऊंचा स्तर देना साथियों, सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट देखिए बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है साथियों, तो आपका जो दिया हुआ है, देखिए ए में पढ़ना है, ए पढ़ना है और बी पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है साथियों। आपका ब्रिक्स है, कैल्प है। तो बोला गया है, क्या बोला गया है, तो बोला गया है वह अपने मित्र के साथ संवाद करती है तथा संवाद करती यानी वार्तालाप करती है, उसके साथ अंग्रेजी में बातचीत करती है, सही बात है साथियों। ये आपका जो हो जाएगा ब्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद बी में बोला गया अपने भौतिक विज्ञान की कक्षा में नोट्स लेती है और उपयोगों की रिपोर्ट लिखती है। ये आपका कैल्प हो जाएगा साथियों, कैल्प हो जाएगा। पहले ये जो बोला था साथियों आपका ब्रिक्स, देखिए आपका आंसर जो हो जाएगा, देख सकते हैं आपको, ए में ब्रिक्स है और बी में कैल्प है साथियों, सही बात है, यही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है, तो निम्न में से कौन क्या है साथियों, निम्न में से कौन सा भाषा के संबंध में सही नहीं बोला गया साथियों। चलिए, तो कौन सा नहीं हो जाएगा आपका? सी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सी में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है सी में आपका बोला गया है भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था, यही आपका जो है साथियों गलत है साथियों, और क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया, क्या बोला गया है, तो कक्षा पाँच की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को शब्द संपदा का एक पृथक शब्द के रूप में प्रस्तुत करती है, बल्कि जहाँ तक संभव हो आदि अभी असंश्लेषित समूह के रूप में देती है। इस उपागम को क्या कहेंगे साथियों? तो इस उपागम को हम लोग कहेंगे साथियों कोष। देखिए आपका सी नंबर सही हो जाएगा। कहेंगे हम कोष विषय उपागम, क्या साथियों? कोष विषयक उपागम कहेंगे इसको, हम लोग कहेंगे कोष विषयक उपागम कहेंगे साथियों, कोष विषयक उपागम कहेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि उद्वोमुखी श्रवण से संबंधित है साथियों। तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा दो नंबर साथियों। क्या हो जाएगा? दो नंबर, देख सकते हो। उद्वोमुखी जो होता है साथियों, आपका बी नंबर से आंसर सही हो जाएगा। श्रुतलेख क्लोज और बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रयोग सकारात्मक तथा नकारात्मक कथनों को पहचानना साथियों, सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया साथियों, तो आपका जो है साथियों, एक शिक्षक अपने एक शब्द के उपखंड की पहचान करती है और इन बातों का प्रयोग करते हुए इस समझ को बनाए रखती है कि शिक्षार्थी यह किन प्रकार की श्रवण प्रतिक्रियाओं को अपना रहे साथियों। आपका इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ऊर्ध्वमुखी युक्ति हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया ग्रहणात्मक चिंतन। आप लोग जानते हैं साथियों, ग्रहणशील शब्द संपदा जो होगा आपका सी नंबर सही हो जाएगा। क्या होगा आपका आंसर इसमें? सी सही हो जाएगा। सी में बोला गया है वे शब्द जिनकी वर्तनी हम जानते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रहणशील शब्द संपदा, जिसकी वर्तनी हम लोग जानते हैं उसको ग्रहणशील शब्द संपदा बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है,
चलिए साथियों, देख सकते हैं आपका ये क्वेश्चन है, थोड़ा हम गलती बता दिए थे, बोला गया है ग्रहणशील, क्या है तो ग्रहणशील शब्द संपदा क्या होता है, ग्रहणशील जो शब्द संपदा होता है आपका, ये हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या है साथियों, वे शब्द जिन्हें हम जब सुनते हैं या देखते हैं तब पहचानते हैं, तभी हम पहचान लेते हैं, यही आपका ग्रहणशील शब्द संपदा का उदाहरण हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों क्या है तो आकृति के बारे में ज्ञान वर्णन, क्या है तो ज्ञान वर्णन करना, समिति अभ्यास में इसका प्रयोग करना क्या कहलाता है साथियों, तो आपका आकृति के बारे में ज्ञान वर्णन करना, सीमित अभ्यास में इसका प्रयोग करना क्या कहलाएगा, तो इसमें जो आपका कहलाएगा साथियों, इसमें आपका हो जाएगा थर्ड नंबर निशा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका हो जाएगा साथियों व्याकरण या घोषणात्मक ज्ञान, व्याकरण या घोषणात्मक ज्ञान हो जाएगा साथियों, क्या होगा व्याकरण या घोषणात्मक ज्ञान हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया नेक्स्ट में साथियों, तो नेक्स्ट में आपका है उपागम के बारे में, क्या है तो उपन्यास, उपन्यास क्या है साथियों, तो आप लोग जानते हैं उपन्यास क्या हो जाएगा आपका, उपन्यास जो हो जाएगा साथियों आपका फोर नंबर सही हो जाएगा, क्या होगा साथियों आपका फोर, उपन्यास में आपका फोर नंबर सही हो जाएगा, फोर में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया फोर में साथियों, उपन्यास जो बोला गया साथियों आपका फोर में वृत्तांत लेख, क्या साथियों आपका वृत्तांत लेख है साथियों, वृत्तांत लेख है साथियों। चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, तो आपका जो बोला गया है क्या है, लेखन का वह उपागम जो लेखन के द्वारा लिखना सीखना और समर्थन करता है, लिखना सीखना का समर्थन करता है, वो उसे किस रूप में जानते हैं साथियों, उसे जो हम लोग जानेंगे साथियों, उसको हम लोग जो जानेंगे प्रतिक्रिया, क्या कहते प्रतिक्रिया उपागम, प्रतिक्रिया उपागम के रूप में हम लोग जानेंगे साथियों, प्रतिक्रिया उपागम के रूप में हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट बोला गया साथियों निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से किसे लेखन का आकलन करने के लिए, लेखन का आकलन करने के लिए सम्मिलित करना चाहिए साथियों, सम्मिलित करना चाहिए साथियों, तो लेखन के आकलन के लिए हम लोग सम्मिलित क्या कर सकते हैं, हम लोग सम्मिलित करेंगे साथियों आपका दो नंबर, क्या साथियों बी में बोला गया है, क्या है बी में, तो विषय वस्तु व्याकरण पर आधार, विषय वस्तु व्याकरण पर अधिकार तथा समानता, अधिकार तथा समानता ही हो जाएगा साथियों, अधिकार तथा समानता लेखन का आकलन होता है, विषय वस्तु व्याकरण पर अधिकार तथा समानता हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है 12 नंबर में क्या है, तो बोला गया है एक पत्रिका पढ़ती है और आवरण कक्षा, क्या कहते हैं आवरण कक्षा का समग्र विचार जानने का प्रयास करती है, यह डिस्कस कर रही साथियों, यह जो कर रही है साथियों आपका वार्की, जो कर रही है आपका क्या कर रही है साथियों, तो आपका वार्की पठन कर रही है, वार्की पठन कर रही है साथियों, क्योंकि देख सकते हैं पाठिका जो साथियों पाठिका पात्रिक पढ़ती और आवरण का समग्र विचार जानते, समग्र में एकदम गहराई से पढ़ना, उसी को हम लोग बोलते हैं वार्की पठन साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में भाषा शिक्षण पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में सही है साथियों, 2020 के बारे में जो सही हो जाएगा आपका दो नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय शिक्षा में अनेक भाषाओं का अनिवार्य रूप से अध्ययन होता है, अनेक भाषाओं में अनिवार्य रूप से अध्ययन होता है साथियों, सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का हिस्सा सही नहीं है साथियों, तो आकलन का जो इसमें सही नहीं हो जाएगा आपका, बोला गया निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का हिस्सा सही नहीं है, तो आकलन का सही हिस्सा जो नहीं होगा साथियों वो आपका हो जाएगा तीन नंबर साथियों, तीन में देखिए बोला गया है सी में, क्योंकि अंत में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा जो होता है साथियों, अंत में जो होता है वो नहीं हो सकता, आकलन का इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, और इस सेट का अंतिम सवाल है, देख सकते हैं बोला गया है कक्षा छः की अध्यापिका को पता चलता है कि उसकी कक्षा में लगभग 7 भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी हैं, वह भाषा तथा विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करती है, इस युक्ति को क्या कहा जाता है साथियों, तो इस युक्ति को जो कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग इस युक्ति को कहेंगे साथियों भाषा तरण भाषा
तरण, भाषा तरण कहेंगे हम लोग, भाषा तरण यानी ट्रांसलिगुरेशन जिसको बोलते साथियों, उसी को हम लोग भाषा तरण कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे साथियों। आपका जो था इसका 11 जनवरी का हिंदी का सेट था साथियों, 2022 का था साथियों।